शहर की सरकार का गठन होने के बाद शनिवार को इस सरकार के सभी नुमाइंदों ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर शहर के विकास के लिए शपथ ली। नवनिर्वाचित महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने बारी बारी से सभी पार्षदों को शपथ दिलाने का काम किया। वहीं इस मौके पर जनता द्वारा चुने गए सभी पार्षदों ने दल गल की राजनीति से ऊपर उठकर शहर में चौमुखा विकास कराने का संकल्प लिया। वहीं इस दौरान मून टीवी के माध्यम से सभी पार्षदों ने अपने क्षेत्रों में अधूरे पड़े विकासों को पूरा करने की बात कही। प्रेमदास चौधरी वार्ड 28 जागेश्वर नगर से पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मेरा सर्वप्रथम पूरे वार्ड में गंगा जल पहुँचाना है, सड़क का निर्माण करना, मेरे वार्ड में कई नाले हैं, नालों की साफ सफाई, अपने 100 वार्डों में पूरे वार्ड को नंबर वन विकसित करना है, ऐसा मेरा विश्वास है। अमित दिवाकर एडवोकेट, भाजपा पार्षद, कक्ष संख्या 34। बिल्कुल विकास की बातें होंगे। नगर निगम आगरा जो है, जो पिछले वोट में हम लोगों ने काफ़ी विकास कार्य कराए थे, बहन अमृता दिवाकर माननीय नवनिर्वाचित महापौर हैं, उनके नेतृत्व में विकास की बहर बाढ़ में नहीं पूरा आगरा शहर में बहेगी। आशीष कुमार जी, वार्ड 89 हरजूपुरा ताजगंज, भारतीय जनता पार्टी। विकास की दो तीन चीज़ें हैं जो हमारी प्रायोरिटी पे हैं। एक तो हमारे ताजगंज डिस्पेंसरी की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि ताजमहल के 500 मीटर के कारण टूट गई है और उसका रेनोवेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वहाँ के लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी उसी चीज़। बाढ़ 46 अशोक नगर, बद्री प्रसाद माहौर। आज हमारे वार्ड में अधिकतर काम पहले मेयर साहब ने कर दिया है और पार्षद ने भी कर दिया है। अब जो विकास अधूरा रह गया उसको पूरा करेंगे और पहले मेयर साहब से ज़्यादा भी अधिकतर काम करेंगे हम लोग। सुधीर कुमार राठौर, वार्ड 98 व्यवहार नगर ताजगंज। जो विकास कार्य अधूरे रह गए थे पिछले कार्यकाल में, नवीन जैन जी के कार्यकाल में, वो कार्य पूर्ण होंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आगरा स्मार्ट सिटी है, उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं प्रगति में, और आगरा स्मार्ट सिटी होगा, बहुत स्वच्छ होगा। हम सबका प्रयास होगा कि हम बहुत सुंदर आगरा बनाएं। मेरा नाम किशन नायक, बाढ़ 12 नगल हारमुख से मैं पार्षद हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमेशा विकास कार्य में जुटा हुआ है। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी हमने काम किया, इससे पहले भी हम लगे रहे, और क्षेत्रीय जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के 24 घंटे उनके लिए साथ खड़ा रहूँगा। जो भी हमारे विकास के कार्य हों, नाली है, रोड, खरंजा, सीवर है, और भी विकास कार्य सदन से पास करवा करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में करवाने की व्यवस्था बनाएंगे। मेरा नाम हेमेंद्र पाल सिंह है, मैं वार्ड नंबर 63 का पार्षद हूँ, निर्वाचित हुआ इस बार। पहले भी मैं इसी वार्ड से मैं पार्षद था। मैंने 2017 में मैं निर्वाचित हुआ था पहली बार, तो मैंने जनता के लिए काम किया, विकास कार्य करवाए। उन विकास कार्यों को देखते हुए जनता ने मुझ पर दोबारा से विश्वास जताया और मुझे दोबारा से अपने अमूल वोट देकर निर्वाचित किया। और मैं जो मेरे काम रह गए हैं, कुछ बचे हुए काम रह गए हैं, उनको मैं उन सारे कार्यों को कराऊंगा, ये मेरा वादा है जनता से। मेरा विजय वर्मा निषाद, वार्ड 55 सादरा। जनता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जनता का श्रेय कि आज हम जीत के खड़े हुए हैं यहाँ, आज शपथ ग्रहण था, आज हमने शपथ ली है और अपने संविधान के अनुसार अपने क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे, जो भी जनता की समस्या उनको दूर करेंगे। हमारे यहाँ ज़्यादा समस्या पानी की है, नाली खरंजा की ज़्यादातर है शादरा के अंदर, क्योंकि पानी करीब 30-40 वर्षों से पानी नहीं आ रहा, उसको हम दूर करेंगे। माथुर, मैं वार्ड 99 से हूँ, चौथी बार चुना गया हूँ। शहर के विकास के लिए लड़ते हैं, हमेशा लड़ाई है और सारा विकास के कारण यह चौथी बार चुन के गए। वार्ड 65 बेलंगन से दोबारा पार्षद आगरा नगर निगम के लिए हुआ हूं, और मैं पिछले 5 साल वार्ड के विकास के लिए लगा था और अगले 5 साल भी वार्ड के विकास के लिए, और आगरा शहर का सौंदर्यीकरण, विकास कैसे हो उसी के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरा नाम मंगल सिंह संतोष है, मेरी भाग संख्या 39 है, नामनेर क्षेत्र से हूं,
और मैं पार्षद के रूप में यहाँ शपथ ग्रहण समारोह के लिए, मेरे खून के अंदर विकास भरा हुआ है और मैं जो भी जन समस्याएं होंगी विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत, जो शासनादेश जो जारी रहेगा उसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूंगा और मैं वचन देता हूं, वादा करता हूं। आज शपथ ग्रहण था, आज हमने शपथ ली है, वचन दिया है, जनता का जो विकास कार्य है, जनता के हित के जो काम होंगे पार्टी 41 के, वो पूरा निभाऊंगा। जिन्होंने जनता ने मुझे प्यार दिया है उसी प्यार के हिसाब से, उसी हिसाब से मैं जनता का काम करूंगा, जनता के बीच में 24 घंटे रहूंगा, पूरा विकास करूंगा। प्रदीप अग्रवाल, वार्ड 94 कमला नगर। जनता ने चौथी बार और बहुत बड़े स्नेह के साथ भरोसा जताया है कि मेरे वार्ड की जनता ने किसी और को नामांकन ही नहीं करने दिया, एक सिंगल नामांकन था। 24 घंटे में मैं पार्षद हो गया। 16 तारीख को 3 बजे भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी करी, 17 तारीख को 3 बजे चुनाव आयोग ने मुझे पार्षद घोषित कर दिया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी और संगठन का, जिन्होंने मुझ पर एक बार पुनः विश्वास किया, और क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतना प्यार दिया कि उत्तर प्रदेश में निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया का मैं पहला पार्षद निर्वाचित हूँ। मैं मुरारीलाल गोयल, वार्ड संख्या 91 बलकेसर से। आज नगर निगम सभागार, सूट सदन सभागार में हमारे आगरा के परम श्रद्धेय महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी और सभी समस्त पार्षदों का आज यहाँ सम्मान समारोह यहाँ किया जा रहा है और इनको शपथ ग्रहण दिलाई जा रही है, क्योंकि एक आगरा की ये नई सरकार है जो कि शहर के विकास के लिए, शहर को चमकता दमकता बनाने के लिए यह आगरा की ये नई सरकार काम करेगी और निश्चित ही आगरा में एक बदलाव निश्चित ही नज़र आएगा और आगरा एक बिल्कुल ऐसा विकास को करते हुए एक नई एक कीर्तिमान स्थापित करेगा, क्योंकि नई सरकार में सभी निर्वाचित पार्षद और हमारे मेयर जी के नेतृत्व में आगरा एक बिल्कुल विश्व पटल पर एक अपना स्थान कायम करेगा। राकेश कनौजिया, वार्ड नंबर 36 मुस्तफा क्वार्टर रेलवे कॉलोनी। भारतीय महानगर की महासरकार का गठन हो चुका है और हम सभी ने शपथ ली है कि जो विश्वास जनता ने हमारे में जताया है, तमाम उम्मीदों के साथ जनता ने हमें चुनकर नगर निगम में पहुंचा है, तमाम सारी समस्याएं जनता के सामने हैं, उन समस्याओं का समाधान अब होकर रहेगा, क्योंकि जनता लंबे समय से कई समस्याओं से, जलभराव की समस्या हो या फिर सीवर की समस्या हो, गंगा जल की समस्या हो, गैस लाइन की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, खरंजे की समस्या हो या फिर नाली नाले की समस्या हो, इन समस्याओं से जूझ रही थी। मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे कार्यकाल के दौरान इन समस्याओं का समाधान होकर रहेगा। जनता ने जो विश्वास जताया है, जनता जनार्दन ने मेरे पे विश्वास जताया है कि उनको मालूम है कि एक पत्रकार सही मायने में विकास का कार्य कर सकता है, और मैं उन सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपना मतदान दिया, वोट दिया और मुझे आशीर्वाद भी दिया। समूचे आगरा के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे पत्रकार साथियों ने भी मुझे लगातार आशीर्वाद दिया और इस आशीर्वाद के सहारे मैं वार्ड नंबर 36 में जीत पाया हूँ। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कुमार प्रजापति, एडवोकेट, वार्ड नंबर 85 खातीपाड़ा लोहा मंडी से। देखिए, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ईश्वर की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से मैं चौथी बार सदन में पहुंचा हूं और मैं जब सदन की बात आती है तो मैं एक ही बात कहता हूं कि सदन में आगरा की चर्चा होनी चाहिए, वार्डों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आगरा कैसे बेहतर हो और आगरा के लोगों ने जिस विश्वास के साथ इस सदन में हम लोगों को पहुँचाने का काम किया है, उन लोगों को लगना चाहिए कि हम लोगों ने जिन प्रतिनिधियों का चयन किया है वो हमारा चयन अच्छा है, ठीक है। मेरा नाम अरविंद भथुरिया है, मैं वार्ड 66 प्रकाश नगर यमुना पार से जीता हूँ। देखिए, काम की स्थिति तो ये है, पार्षद सभी लोग आए हैं, अभी तो काम शुरुआत होगी और हम लोग संघर्ष करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी से 27 पार्षद जीते हैं और 3 समाजवादी पार्टी से, बाकी का अधिकतर बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी पे आई है, फिर भी हम लोग संघर्ष करेंगे और काम कराने में कामयाब होंगे, जो पिछली बार भी हुए हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया है और कसौटी पे खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा
क्योंकि आगरा की समस्याओं को हमने पिछले बोर्ड में भी हल कराया, जो समस्याएं रह गई हैं वो इस बार दूर कराया जाएगा, और जो अधिकांश टैक्स से संबंधित समस्याएं आती हैं, मुझे पूरा विश्वास है आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर जी और निर्वाचित पार्षद इन समस्याओं को दूर करके आगरा के विकास के लिए एक नया लाइन खींचेंगे, और हम कायम करेंगे कि आगरा का किसी भी क्षेत्र में बिना भेदभाव के काम होए और सबके साथ और हर क्षेत्र में काम होए, हर वर्ग के लोगों तक पहुंचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबके साथ सबके विकास का नारा है।